गाना शूट हो रहा है ये प्रमोशनल सॉन्ग है मेरी फिल्म मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। बहुत ही सिंपल फिल्म है और अमर जो एक डायरेक्टर है और उसकी ड्रीम है कि वो एक फिल्म बनाए तो गांव छोड़ के अपना वीडियो लाइब्रेरी बेच के वो यहाँ आता है और फिल्म मेकिंग की स्कूल ज्वाइन करने के बाद फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रू स्टोरी बनाना चाहता है एक एक जर्नलिस्ट के बारे में जो एक स्कैम प्रोब कर रही है और उसका वहाँ पर पावरफुल लोग है जो उसको उसका बलात्कार करते हैं और कैसे उस स्कैम को दबा डालते हैं। ये ऐसा सॉन्ग है जो एक्चुअली फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टाइटल सॉन्ग है जिसमें आप अगर देखोगे तो चूँकि पिक्चर है, पिक्चर के अंदर एक पिक्चर है जिसकी कहानी है, तो उसमें ये जो टाइटल सॉन्ग है वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हुए सभी एक्टर्स को एक दूसरे के बीच में जो है कम्युनिकेशन मजा मस्ती के माध्यम से करने की कोशिश है, उसको फिल्मा रहे हैं सब लोग। फिल्म के जर्नी में बॉलीवुड में जो हमेशा होता ही है कि स्क्रिप्ट कैसे बदलता है, हीरो कैसे बदलता है, हीरोइन कैसे बदलती है, कैसे जो लोग नहीं होने चाहिए आते हैं, गाने जो नहीं होते वो आते हैं, आई थिंक बनते बनते एक ऐसी फिल्म बनती है जो अमर बनाना नहीं चाहता लेकिन बन जाता और रिलीज़ भी हो जाती है, तो आई थिंक दैट्स हिज जर्नी। प्रमोशनल गाना भी जो है उसका विजुअल जो है या उसकी स्टोरी जो है वो कहिए वो फिल्म के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मेरे कोरियोग्राफर फिरोज़ खान ने जो डिज़ाइन किया है वो ये डिज़ाइन किया है कि एक वीडियो पार्लर है, लोअर मिडिल क्लास का वीडियो पार्लर है जहाँ लोग कैजुअल ड्रेस में, धोती में, लुंगी में या शॉर्ट्स में, चड्डी में फिल्म देखने आ गए हैं। जो चीज़ वो देख रहे हैं वो चीज़ उनको बोर कर रही है, तो तब तक हमारे कैरेक्टर्स लोग आते हैं, वो उठने ही वाले हैं कि हमारे कैरेक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि भैया उठो मत, सीट पे तशरीफ़ टिकाए रख प्यारे, और वहाँ से गाना शुरू होता है। मेरे लिए ये फिल्म इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और जैसे किरदार मैंने तेरा घर मेरा घर में किया था, एक सिंपल लैंडलॉर्ड वैसा ही एक सिंपल डायरेक्टर।